रेडी। हाँ जी बेटा। हम लोग गांव जाते हैं। हाँ तो उसमें नदी पड़ती है। हाँ नानी के यहाँ जाते हैं तो हाँ, तालाब पड़ता है। हाँ तालाब पड़ता है बहुत बड़ा। हाँ उसमें बहुत सारे कमल के फूल देखे हैं। अच्छा तो मेरे को फेवरेट लगते हैं। अच्छा सफेद सफेद फूल आपको बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा और नहीं वो ये गुलाबी कलर के भी तो गए ना, हाँ गुलाबी भी होते पिंक हैं। कलर के भी होते हाँ हैं, वो भी पिंक। अच्छे लगते हैं। अच्छा तो एक भी लेके आ जाना, हमारे छत पे लगाएंगे हम अपने। अच्छा अच्छा तो कमल के बहुत फूल आपको अच्छा लगता है तो हम चलो ठीक है कमल का फूल बनाते हैं। ओके यस। कमल का पौधा उगाने के लिए वैसे तो हम किसी भी नर्सरी से हम पौधा खरीद सकते हैं ठीक है, परंतु आज हम आपको एक नई तकनीक सिखाएंगे, एक नई विधि जिससे कि हम कमल का पौधा उगा सकते हैं बीजों के थ्रू। तो हमने ये बीज मंगा लिए हैं पंसारी की दुकान से, आसपास किसी भी पंसारी की दुकान से बहुत ही कम कीमत पे ये आराम से मिल जाते हैं। 50-60 रुपए में 100 ग्राम आराम से मिल जाते हैं ठीक है। तो ये हमने मंगाए हैं और इस तरह दिखते हैं बीज ठीक है, ब्लैक ब्लैक दिखते हैं। वैसे इनको खाने में भी यूज़ करते हैं, ये बहुत ही पौष्टिक बीज होते हैं। इसके अंदर का जो खोल है जैसे पिस्ता हम यूज़ करते हैं वैसे ही ये बीज होता है, पिस्ते का कवर उतारते हैं और बीज से बीज खाते हैं, ऐसे ही ये जो ब्लैक कलर है इसको तोड़ के इसके अंदर वाइट वाइट निकलता है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पौधा उगाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें दो तरह की साइड होती हैं, एक नुकीली साइड होती है और एक फ्लैट साइड होती है। तो जो नुकीली साइड है उसको हम किसी खुरदरे जगह पे घिस लेंगे उसको और इसकी सफ़ेद जगह निकाल लेंगे। बीज हैं ये कमल गट्ठे के नाम से किसी भी लोकल पंसारी की दुकान पे मिल सकते हैं, तो इन्हें हम अपने आसपास ही खरीद सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं। कमल गट्ठा के पौधों को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि उस बीज से पौधे निकलें उससे पहले हमें इसको घिसना ज़रूरी है, तो ताकि इसका ऊपर खोल हट जाए और नीचे सफ़ेद रंग का जो बीज है वो निकल आए। तो इसको निकालने के लिए आप या तो किसी सैंड पेपर या रेती या सैंड पेपर रॉड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको छत से ही कर रहा हूँ, मैं ये रफ सरफेस है इससे मैंने यूज़ करके इसको थोड़ा सा रफ कर लिया है। हमने 8 से 10 बीजों को घिस के सफ़ेद कर लिया है और अब इनको स्प्राउट्स आने तक पानी में डिप कर देंगे और हमेशा 24 घंटे बाद इसका पानी बदलना है जिससे कि इसमें कोई गंदगी ना हो और स्प्राउट्स अच्छी तरह से निकल जाएं। इन बीजों को हम किसी अच्छे छांवदार जगह पर रख देंगे। बीजों को हमने छांवदार जगह पर रख दिया है और देखते हैं इसमें स्प्राउट्स कब तक निकलते हैं। कमल गट्ठा जो है वो ये इस तरह का पानी छोड़ता है, इसलिए हर 24 घंटे में इसको नया पानी डालने की आवश्यकता होती है। और ये कमल गट्ठा के बीज भी काफ़ी फूले हुए से लग रहे हैं, तो सीम्स की अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब देखते हैं कुछ दिनों में इसमें से अंकुर निकलते हैं या नहीं। आज 3रा दिन है और चलो देखते हैं कमल गट्ठा के बीजों का क्या हुआ है। वाओ इसमें तो काफ़ी प्रोग्रेस है।
ये देखिए, एक एक दो तीन, काफी प्रोग्रेस है इनमें तो। लगभग 10 बीजों में से 4 से 5 बीजों में स्प्राउट्स निकल आए हैं। ये है हमारी आज की प्रोग्रेस, ये काफ़ी काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है। और एक ये भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। तो 10 में से 5 तो काफ़ी प्रोग्रेस में हैं। और आज की ये प्रोग्रेस है कि हमारे 8 बीज कमलगट्टा के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और स्प्राउट्स निकलने की प्रोग्रेस में हैं। 2 बीजों का लग रहा है कि वो ख़राब बीज हैं और उनमें स्प्राउट्स नहीं लगेंगे। आज की हमारी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है। 10 में से 9 बीज हमारे जो हैं वो स्प्राउट्स हो चुके हैं। ये देखिए, ज़्यादातर बीज खिल गए हैं और सिर्फ एक बीज ये वाला जो है ये रह गया है स्प्राउट होने से। और ये जो बर्तन है ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए इस को हम बड़े उसमें जार में ट्रांसफ़र करेंगे। इस कटोरी से बीजों को ट्रांसफ़र करने के लिए हमने लिया है एक बड़ा जार। अब इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, इसमें पलटना नहीं है, इसमें आप इसमें रख देना आराम से। और इस कटोरी से थोड़ा सा ऊपर इस पानी भरना है ताकि ये जो पानी है ये इसको मिलता रहे पूरा। जार में पानी भरने के बाद इस जार बड़े जार को हम अभी छांव में ही रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से और स्प्राउट्स हो जाए। और जैसे देख रहे हैं आप कि 9 बीज हमारे स्प्राउट हो चुके हैं, एक बीज रह गया है बस। आज लगभग 9-10 दिन हो गए हैं और ये है हमारे कमलगट्टा के पौधों की प्रोग्रेस। काफ़ी इसमें हमने 2-4-5 बीज और गिर दिए थे तो ये 14 बीज हो गए हैं और काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब हमने इसका पानी बदला है, तो ये पौधे काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं पर अभी तक इनमें जड़ नहीं आई है, तो इसीलिए हमें इन्हें पानी में ही रहने देंगे। अभी जब जड़ आ जाएंगी तब इनको मिट्टी में उगाएंगे। 12 दिन बाद हमारे कमल के बीजों की ये कंडीशन है और इतनी प्रोग्रेस हुई है। अब पानी बदलने का टाइम है हमारा, पानी बदल देते हैं। ये हमने पानी बदल दिया है, ये है हमारे 15 दिन की कमलगट्टे के पौधों की प्रोग्रेस। इसमें काफ़ी अच्छी तरह से पत्ते आने लगे हैं। जब हम इसका पानी बदल रहे थे तो कटोरी में काई सी जम रही थी और बीजों पर भी काई जमना स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने उसको हमने साफ़ अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और पानी बदल के इसको नया पानी गेट डाल दिया है। जो बीज नए की डाले थे उसमें भी स्प्राउट्स निकलने लगे हैं और काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं।
अभी तक तो ये बर्तन पर्याप्त है इन पौधों को संभालने के लिए। जब इसमें जड़ आ जाएंगी तो इन पौधों को हम किसी बड़े बर्तन में मिट्टी के साथ लगा देंगे। हर रोज़ सुबह सुबह पानी में लेयर सी बन जाती है जिसको साफ़ करना ज़रूरी होता है, इसीलिए हम इसका पानी हर रोज़ बदलते हैं। और गंदा पानी होने से भी पौधों पर असर पड़ता है। इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है, ये चिकनाहट सी होती है जो कि इसको हम साफ़ कर लेते हैं, इसका पानी बदल लेते हैं। इसका पानी हमने बदल दिया है और अब यहाँ पर इसको ऐसी जगह पर रखा है जिससे कि सुबह की धूप आए और उसके बाद इसको धूप रोशनी तो मिले पर धूप डायरेक्ट सीधी धूप ना मिले। ज़्यादा धूप होने पर भी पौधों पर काफ़ी असर पड़ता है और ये झुलसा जाते हैं, इसलिए सिर्फ़ सुबह की ही धूप के लिए इसको इस स्थान पर रखा गया है जहाँ से डायरेक्ट धूप आए और आधे एक घंटे बाद धूप ख़त्म हो जाए, रोशनी लगातार मिलती रहे। आज 19वें दिन हम ये पानी बदल रहे हैं और ये है हमारी प्रोग्रेस। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत से बीजों में जड़ें निकल आई हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी जड़ें हैं, तो ये अच्छा टाइम है इसको मिट्टी में रोपने का। पर हम अभी कुछ दिन और वेट करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बीज ऐसे हैं जिनमें जड़ नहीं निकली हैं, तीन चार ही ऐसे हैं जिनमें जड़ निकली हुई है, तो हम 2-3 दिन और वेट करेंगे ताकि सभी बीजों में जड़ें निकल जाएं और फिर उसको मिट्टी में रोपेंगे। लगभग 19 दिनों के बाद हमारे 14 बीजों में से 10 बीज अंकुरित, 12 बीज अंकुरित हो चुके हैं और 10 बीजों पर पत्ते आने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और 4 काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हैं। उसके अलावा 6 में अभी प्रोसेस चालू है। आज 28वां दिन है और 3-4 दिन से मैं कोई प्रोग्रेस नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम था, जाना पड़ा, तो इसकी देखभाल भी नहीं हो पाई है और ये 3-4 दिन में काले पड़ गए हैं बिना देख रेख के। इसलिए पानी में तो इसको हम अच्छी तरह से उगा सकते हैं, पर बशर्ते ये ध्यान रखना होगा कि हमें इसकी देखभाल हर रोज़ करनी है, पानी चेंज हर रोज़ करना है। अब जो मिट्टी में कमल उगाने का प्रोसेस था वो मैं एक नई वीडियो में बनाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए वीडियोस हमारे। अगर आपको मेरा कमल का पौधा अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर।